हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ओप्पो A53s 5G का नया अपडेटेड वर्जन आ गया है कलर OS 12 का, जो कि इंडियन यूजर्स को मिल रहा है। ये अपडेट महीने भर बाद आया है, जब ओप्पो ने अनाउंस करा था कि बीटा वर्जन आएगा इंडियन यूजर्स के लिए। ग्लोबल यूजर्स के लिए अभी अनाउंसमेंट फ्यूचर में होना बाकी है। ये जो कलर OS 12 है ओप्पो A53s 5G का, ये आपका एंड्रॉयड 12 बेस्ड है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको फोन की सेटिंग्स में जाना होगा, वहां से डाउनलोड हो जाएगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप लेटेस्ट वर्जन रन कर रहे हो कलर OS 11 का। अब इसको अपडेट कैसे करना है, ओप्पो ने इसका एक डिटेल जो है पोस्ट शेयर करा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसको आपको कैसे करना है फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फोन की सेटिंग्स में जाइए, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाइए, वहां आपको सिलेक्ट करना है कलर OS 12 वर्जन और अपडेट सिलेक्ट कर लेना है। एक बात का मैं फिर से कहना हूं, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो लेटेस्ट फर्मवेयर वर्जन होगा कलर OS 11 का, वो या तो A.08 होना चाहिए या A.09 होना चाहिए, ठीक है। और अपडेट करने से पहले ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि एक बैकअप बना लीजिएगा, हो सकता है आपके फोन का डेटा डिलीट हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अपने स्मार्टफोन की OTA अपडेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब कलर OS 12 में नए फीचर्स आपको क्या मिलेंगे, इसमें कई सारे नए फीचर्स और अपडेट हैं। सबसे पहला नया फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा कि स्मार्टफोन का इंटरफेस बदल गया है, जैसे कि आइकन, सिस्टम ऐप और क्विक सेटिंग्स। इसी के साथ आपको एंड्रॉइड 12 प्राइवेसी फीचर्स भी मिल जाएंगे, प्राइवेसी डैशबोर्ड होगा, माइक्रोफोन और कैमरा इंडिकेटर्स भी होंगे। इसमें आपका फोन जो है अपडेट के बाद कई बार रिबूट होगा और आपकी बैटरी जो है बहुत ज्यादा ड्रेन होगी, इसलिए रिकमेंडेड है या तो फुल चार्ज कर लीजिए या चार्जिंग पे फोन को अपडेट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।